होली के त्यौहार पर लोग एक दूसरे को रंग लगाकर सभी शिकवे गिले दूर करते हैं। होली पर्व को भाईचारे का प्रतीक भी माना जाता है। साल 2023 में पड़ने वाली होली पर्व को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं कि इस बार होली किन राशियों के लिए अच्छी रहेगी और किन राशियों के लिए खराब रहने वाली है, किन राशियों के लोगों को सावधानियां बरतने की जरूरत है। इन सभी सवालों को लेकर हमने ज्योतिष आचार्य शक्तिधर शास्त्री से इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इस बार होली पर नक्षत्रों के हिसाब से अलग संयोग बन रहे हैं। इस साल होली कुछ राशियों के लोगों के लिए बेहद ही मंगलकारी और सुखदायी होने वाली है, लेकिन कुछ राशियों के लोगों को बेहद ही सतर्क रहने की जरूरत है। ज्योतिष आचार्य शक्तिधर शास्त्री बताते हैं कि इस साल होली पर सिंह राशि पर हो रहा है, उस दिन फाल्गुनी नक्षत्र होगा, और क्या कुछ कहते हैं ज्योतिष आचार्य शक्तिधर शास्त्री, ये भी सुनिए। होली के पर्व पर इस साल कुछ नए समीकरण बन रहे हैं। जिन होली का पर्व फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में आता है, ये अकाट्य सत्य है। जो सिंह राशि पर होली का आयोजन किया जा रहा है, उस दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होगा। किन किन राशियों पर ये होली खराब है, किन राशियों के लिए अच्छी है, देखिए ये मीन राशि के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि 12वें भाव में शनि और सूर्य विचरण कर रहे हैं। खर्च, तनाव, गुस्सा, परेशानियां रहेंगी। कुंभ के लिए भी अच्छी नहीं कही जा सकती, दो पाप ग्रह, चतुर्थ में मंगल। अब ये दो राशि मैंने कवर की हैं। अब मैं उल्टा चल रहा हूँ, मीन से शुरू किया, मेष से नहीं किया, अब मकर पर आइए। मकर के लिए बहुत अच्छी नहीं है, अष्टम चंद्रमा होगा उस दिन। अब धनु के लिए बहुत अच्छी होली रहेगी, पराक्रम स्थान में पाप ग्रह होंगे, छठे भाव में मंगल, लेकिन थोड़ा सा तनाव, लेकिन धन का लाभ बहुत होगा। वृश्चिक के लिए शनि की ढैया, ग्रह क्लेश, परेशानी, तनाव, चिंता। तुला के लिए बहुत शुभ मान सकते हैं, क्योंकि शनि की ढैया हट चुकी है इनकी, और कन्या के लिए बहुत शुभ, लेकिन गुप्त चिंताएं कन्या राशि को रहेंगी। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, विवाह के योग बनेंगे। सिंह राशि के लिए अच्छी इसलिए है क्योंकि सिंह राशि पर ही होली का आयोजन हो रहा है। अष्टम गुरु नवम राहु, सप्तम में सूर्य और शनि, ग्रह कलेश, दाम्पत्य जीवन में परेशानी रहेगी। कर्क के लिए शनि की ढैया सबसे खराब होली मैं कह सकता हूँ कर्क की, क्यों, अशांति, ग्रह क्लेश, परेशानी, चिंता, तनाव और स्थानांतरण। अष्टम भाव में शनि और सूर्य, अपमान का भय, लेकिन धन लाभ होता रहेगा। मिथुन के लिए बहुत शुभ समाचार यह है कि चंद्रमा अच्छा होगा, मान सम्मान, प्रमोशन, तरक्की, पैसा, और जो गंभीर चिंताएं मन में बनी हुई थी वो खत्म होंगी, और भविष्य में ये साल आने वाला बहुत शुभ होने वाला है। मंगल आपके लिए खर्चा बहुत करा रहा है। अब वृष राशि के लिए, वृष राशि पर मंगल चल रहा है, वैसे ही तनाव, टेंशन, सिर दर्द और ग्रह क्लेश, लेकिन धन का अपार लाभ, अपार संपदा आपको प्राप्त होगी। मेष राशि के लिए दाम्पत्य जीवन, तनाव, चिंता, परेशानी, कष्ट, जीवन साथी का ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन छात्रों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है मेष राशि के लिए, और अक्टूबर के बाद मेष राशि के लिए शुभ होगा। तो ये मैंने 12 राशियों का फल होली पर बताया, और मंगलवार का व्रत करने से, क्योंकि मंगलवार की होली है, हनुमान जी की उपासना करने से आपके ऊपर आने वाली समस्याएं खत्म हो जाएंगी, और जिनके काम नहीं बन रहे हैं उनके बनने शुरू हो जाएंगे। ज्योतिष आचार्य शक्तिधर शास्त्री ये भी बताते हैं कि बजरंग बली का जाप करने और मंगलवार का व्रत रखने से आने वाले सभी परेशानियां, ग्रह क्लेश, चिंता, तनाव खत्म होंगी, इसलिए जिन राशियों के लिए होली खराब रहने वाली है उन्हें मंगलवार का व्रत और बजरंग बली का जाप करना चाहिए। ओम प्रयास, न्यूज 18, हरिद्वार।